पास आ चुके हैं फायरबोल्ट की तरफ से और एक बढ़िया स्मार्ट वॉच एंड इसका नाम है फायरबोल्ट हल्क। सो गाइस यहां पे आप हल्क से समझ सकते हो कि यहां पे डिस्प्ले तो बड़ा मिला और 1.78 इंच का एमोलेड स्क्रीन डिस्प्ले के साथ है वो मिलने वाला है, वो कंप्लीट देखेगा एंड स्मार्ट वॉच को परचेज करना चाहिए या फिर नहीं। एंड गाइस अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे सेट कर दीजिए, क्योंकि 1000 सब्सक्राइबर्स जब कंप्लीट हो जाएंगे तो गिव अवे का वीडियो जल्दी आ जाएगा। सो गाइस फटाफट से कर लेते हैं इस बॉक्स को ओवरव्यू। इसके ओवरव्यू की बात करूँ तो यहाँ पे 1.78 इंच का एमोलेड डिस्प्ले मिल जाएगा ब्लूटूथ कॉलिंग के साथ एंड यहाँ पे कुछ फीचर्स मिल जाते हैं, आप इसे पॉज करके और देख सकते हो, वीडियो में आगे आपको मैं बताने वाला हूँ। तो गाइस फटाफट से इस रैपर को है हम निकाल देंगे, भी कुछ फीचर्स मिल जाएगा आप यहाँ पे देख सकते हो एंड यहाँ पे फायरबोल्ट की ब्रांडिंग है एंड बॉक्स हो चुका है यहाँ पे ओपन एंड ये ग्रे कलर में आपको देखने को मिलेगी। मैं चले जाएंगे। सो गाइस ये रहा इसका चार्जिंग केबल, तो चार्जिंग केबल काफ़ी बढ़िया है, यहाँ पे हम देख लेते हैं मैग्नेटिक क्वालिटी, मैग्नेटिक काफ़ी बढ़िया है, केबल काफ़ी अच्छा है, यहाँ पे आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगा चार्जिंग करने के टाइम। ये रहे हमारे कुछ डॉक्यूमेंट्रीज, जैसे कि यहाँ पे मिल जाएगा एक यूज़र मैनुअल एंड यहाँ पे भी कुछ डॉक्यूमेंट्रीज है, वारंटी रजिस्टर है वो कर सकते हो, ये भी वारंटी का ही कार्ड है एंड ये रहा 3 मंथ्स के गाने का सब्सक्रिप्शन, आप यहाँ से क्लेम है वो कर सकते हो। सो गाइस ये रही हमारी स्मार्ट वॉच, ये आपको चार्जिंग करने से पहले आपको इसे 100% चार्ज कर लेना है एंड पीछे भी रैपर है तो इसे भी निकाल देंगे। इसलिए यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे मेटेलिक फ्रेम है, एकदम स्लिम है तो काफ़ी बढ़िया लुक एंड वाइज है। यहाँ पे हमें सारे सेंसर्स मिल जाएंगे, यहाँ पे फायरबोल्ट की ब्रांडिंग दी हुई है एंड ये रहा चार्जिंग पोर्ट एंड रिप्लेसेबल स्ट्रैप से अगर आपको चेंज कर रहे हैं तो आप ब्लैक रेड वगैरह कौन से भी स्ट्रैप्स है वो ले सकते हो। यहाँ पे भी फायरबोल्ट की ब्रांडिंग है तो स्ट्रैप्स की क्वालिटी काफ़ी बढ़िया है, यहाँ पे आपको पहनने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। ये फंक्शन बटन है, मैं आपको आगे बताऊँगा। सो गाइस यही थी इसकी बिल्ड एंड डिज़ाइन एंड पीछे तो प्लास्टिक मटेरियल यूज़ किया है, तो फटाफट से स्मार्ट वॉच को कर लेते हैं ऑन एंड देख लेते हैं स्मार्ट वॉच को। सो गाइस यहाँ पे फायरबोल्ट आ चुका है एंड ये एमोलेड स्मार्ट वॉच है तो काफ़ी बढ़िया लुक एंड वाइज होने वाली है। यहाँ पे आप देख सकते हो एमोलेड स्क्रीन डिस्प्ले, तो वॉच फेस काफ़ी बढ़िया है। तो फटाफट से इसके वॉच यूआई के बारे में बात कर लेते हैं, तो यहाँ पे आप देख सकते हो काफ़ी स्मूथली ये स्मार्ट वॉच चल रही है, मुझे यहाँ पे थोड़ा भी लैग फील है वो नहीं हो रहा। नीचे से स्वाइप करेंगे तो यहाँ पे मिल जाएगा ब्लूटूथ का ऑप्शन, ये है वाइब्रेट का ऑप्शन एंड यहाँ पे हमें टॉर्च मिल जाएगी, तो यहाँ पे आप देख सकते हो बेजल्स काफ़ी कम है एंड यहाँ पे हम ब्राइटनेस को कम कर देंगे। थिएटर मोड यहाँ पे आपको मिल जाएगा एंड ये है सेटिंग्स का ऑप्शन, तो यहाँ पे आपको डिस्प्ले का ऑप्शन मिल जाएगा, यहाँ पे आप ऑटो स्लिप को है वो 30 सेकेंड्स तक रख सकते हो एंड मेन्यू व्यू को यहाँ पे आप चेंज कर सकते हो, तो मैं लिस्ट व्यू पे रख दूंगा इसे एंड यहाँ पे आप देख सकते हो सारे फीचर्स यहाँ पे हमारे पास आ चुके, तो मैं आपको आगे बताऊँगा, रुक जाइए थोड़ी देर। तो यहाँ पे हम लो पावर मोड आ जाएगा, थिएटर मोड, फ़ोन कॉल यहाँ से आप कर सकते हो, कॉल रिसेट, AI वॉइस असिस्टेंट, स्क्रीन क्लॉक, एनालॉग क्लॉक, डिजिटल क्लॉक रख सकते हो एंड क्लोज यहाँ पे हमने रखा है इसे अभी। फोन का सपोर्ट है सिस्टम में, यहाँ पे आपको पता ही है, मैंने आपको बहुत बार बताया, वेदर अपडेट है एंड यहाँ जैसे ऊपर स्वाइप करेंगे तो यहाँ पे आपको स्मार्ट नोटिफिकेशन का सपोर्ट मिल जाएगा, यहाँ से आप नोटिफिकेशन रिसीव है वो कर सकते हो। लेफ्ट साइड स्वाइप करेंगे तो यहाँ पे आपको स्प्लिट स्क्रीन मिलेंगी, जैसे कि स्टेप्स, हार्ट रेट, यहाँ पे SPO2 स्लीप मॉनिटरिंग, म्यूजिक कंट्रोल एंड यहाँ पे आपको सारे 100+ वर्कआउट मोड्स यहाँ पे हमें प्रोवाइड किए एंड राइट साइड स्वाइप करेंगे तो AI वॉइस असिस्टेंट, स्टेप्स, स्लीप मॉनिटरिंग, हार्ट रेट, SPO2 है, वेदर अपडेट है एंड यहाँ पे ऐड यहाँ पे आपको करना है तो वो यहाँ से आप ऐड है वो कर सकते हो। यहाँ पे आप देख सकते हो काफ़ी ज़्यादा फीचर्स है। यहाँ पे मेन्यू के बटन पे क्लिक करोगे तो स्टेप्स मिल जाएगा, फोन कॉल, हार्ट रेट, स्लीप मॉनिटरिंग, SPO2, ट्रेनिंग, एक्सरसाइज, रिकॉर्ड, ब्रीथ का ऑप्शन है, यहाँ पे वेदर, शटर बटन है, प्लेयर, अलार्म, स्टॉपवॉच, टाइमर, पीरियड, कैलकुलेटर, फ्लैशलाइट, ऐप यहाँ पे आपको डाउनलोड करना है तो इसको QR कोड को स्कैन है वो कर लेना है। सेटिंग्स का ऑप्शन तो मैंने आपको बताया। तो गाइस यहाँ पे आउटडोर ब्राइटनेस की बात करो तो यहाँ पे आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पे हमें 550 निट्स की ब्राइटनेस मिलती है, तो ब्राइटनेस काफी बढ़िया है। एल्टीट्यूड को टेस्ट कर लेते हैं। तो गाइस यहाँ पे आप देख सकते हो 57 BPM है, तो ये काफी नॉर्मल है, तो BPM काफी, तो हार्ट रेट तो मुझे एक्यूरेट लग रहा है। SPO2 को भी यहाँ पे मैं ऑन है वो कर देता हूँ। तो गाइस यहाँ पे SPO2 को भी यहाँ पे मैंने ऑन है वो कर दिया है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो 96% है, तो ये भी काफी एक्यूरेट है, यहाँ पे आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ पे हमें 2 बेसिक हेल्थ फीचर्स मिलते हैं, हार्ट रेट एंड SPO2। तो फटाफट से मैं हार्ट रेट को कर देता हूँ ऑन एंड देख लेते हैं हार्ट रेट मेजर करता है या फिर नहीं। सो बता दिया है कि प्लीज़ वेयर ऑन योर रिस्ट एंड ट्राई अगेन, तो हार्ट रेट तो ये मेजर नहीं कर रहा। SPO2 को भी यहाँ पे मेजर करने और रख देंगे, तो यहाँ पे आप देख सकते हो जल्दी से आ चुका है, प्लीज़ वेयर ऑन योर रिस्ट एंड ट्राई अगेन, तो हार्ट रेट मामले में काफ़ी बढ़िया है। तो फटाफट से इसका कॉलिंग टेस्ट है वो कर लेते हैं।
तो गाइस यहाँ से फटाफट कॉल लगा देते तो यहाँ पे कॉन्टेक्स्ट में चले जाऊंगा, तो मैंने यहाँ पे सेव किया था तो यहाँ पे मैं टैप कर दूंगा। सो गाइस यहाँ पे ये रिंग जा रही है। हेलो, हाँ जी, हाँ भाई आवाज कैसा आ रहा है? एकदम क्लियर आ रहा है। यहाँ पे आपको कोई प्रॉब्लम आ रहा है क्या, मतलब कोई बैकग्राउंड नॉइज आ रहा है क्या? नहीं नहीं। हाँ, और मैं फोन से बात नहीं कर रहा था, स्मार्ट वॉच से बात कर रहा था, आवाज ठीक आ रहा है ना? एकदम मस्त आ रहा है ना? हाँ एकदम क्लियर आ रहा है। ठीक है भाई, आपका आवाज़ भी अच्छा ही आ रहा है। ठीक है, चलो। सो गाइस यहाँ से आपको एंड कॉल कर देना है, सारी चीज़ आपको पता ही है। सो गाइस ये था इसका कॉलिंग टेस्ट। यहाँ पे वाटर रेजिस्टेंट की बात करूँ तो IP67 रेटेड वाटर रेजिस्टेंट है, तो स्पीकर में पानी जा सकता है, तो यहाँ पे आप थोड़ा संभाल के रहिएगा स्पीकर में पानी ना जाए। सो गाइस आ जाते हैं हमारे कंक्लूजन की तरफ, तो आपको फायरबोल्ट हल्क को परचेज करना चाहिए या फिर नहीं। सो गाइस आप इसे जरूर परचेस कर सकते हो, 3500 में यहाँ पे एमोलेड स्क्रीन डिस्प्ले मिल जाएगा, ऑलवेज ऑन डिस्प्ले का सपोर्ट है, एंड यहाँ पे हमें काफ़ी ज़्यादा ब्राइटनेस के साथ वाटर रेजिस्टेंट भी काफ़ी अच्छा है। सो गाइस ओवरऑल काफ़ी बढ़िया है, हेल्थ सूट भी अच्छा है, तो मुझे ये स्मार्ट वॉच में कोई भी प्रॉब्लम फेस नहीं हुआ, एंड मेटल फ्रेम में मिल रही है, तो यहाँ पे 3500 वर्थ इट है। आप इसे जरूर परचेस कर सकते हो, एंड मुझे तो ये स्मार्ट वॉच काफी बढ़िया लगी है। और गाइस यही था इसका कंक्लूजन, और आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूले। जेन्युइन रिव्यू था, मुझे ये स्मार्ट वॉच काफी बढ़िया लगी है। सो गाइस मिलता हूं अगले वीडियो में किसी नए इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, थैंक यू दोस्तों।